ভাবলাম একটা গাঁদা ফুলের চেন লাগাবো ভাবছিলাম ওখানে। वेलकम बैक टू माई चैनल। कल है बेबी शार और आज मुझे नेल्स की अपॉइंटमेंट मिली है, तो ये है मेरी नेल्स, अभी देख लीजिए। ये मैंने कट कर लिया था और सुबह से बहुत हड़बड़ी में थी। 11 बज चुका है, 11 बजे अपॉइंटमेंट था, अभी 11:10 हो चुका है, तो अभी फटाफट निकलते हैं और दिखाती हूँ सब कुछ चीज़ धीरे धीरे। और हस्बैंड मुझे छोड़ने जाएंगे, उसके बाद लेके भी आएंगे। लेट्स गो। तो आज था हमारे भैया के घर की मतलब हाउस इनॉग्रेशन, तो एज सच कुछ पूजा वगैरह नहीं था क्योंकि ये घर में भैया पहले रहते थे, फिर ये तुड़वा के नया घर हुआ है, सिर्फ नया रूम हुआ है, तो इसीलिए भैया ने कहा है कि कुछ पूजा वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही भगवान का नाम लेके अंदर चला जाऊँगा। तो हम लोगों ने भी एग्री किया क्योंकि मेरा तबीयत वगैरह भी सब कुछ ठीक नहीं था, तो ठीक है। तो मम्मी ने थोड़ा सा धूप वगैरह दिखाया तो उस हिसाब से ही भैया घुस गए क्योंकि आज का दिन भी शुभ था। और फिर मैं आई थी नेल्स करवाने के लिए, तो प्रोसेस यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ। तो प्रोसेस सिंपल था, पहले नेल कट करने के लिए बोला था और उसके बाद थोड़ा सा बफिंग वगैरह ये सब किया, फिर नेल सेटअप किया। तो मैंने शेप चूज़ कर लिया था और मुझे ये शेप ना अच्छा लगता है जो मैंने किया है, ये कॉफिन शेप है। और मैं एक्चुअली, मेरा नेल्स भी बड़ा होता है ना, तो मैं ये शेप ही रखती हूँ, मेनटेन करती हूँ, तो मुझे एज सच कोई दिक्कत नहीं है। आज जैसे कि 2-3 दिन हो गया है मैं ये नेल्स करवा के आई हूँ, बट अभी भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है एज सच। सिर्फ हाँ, जो मेरे ओरिजिनल नेल्स हैं वो थोड़ा सा शार्प होता है और ये जो फेक नेल्स होता है ना, इसमें शार्पनेस बिल्कुल नहीं होता है, कुछ ऐसा। और अभी देखिए, जैसे मेरा नेल सेट हो गया है और ये लगाने के बाद, और आप देखोगे कि मैंने जब नेल पॉलिश वगैरह सब लगा लिया है ना, तब मेरा नेल्स जैसा ही लग रहा है, मतलब मेरा ओरिजिनल नेल्स जैसा ही लग रहा है, क्योंकि मैंने शेप भी वैसा ही रखा है जैसे मैं रखती हूँ, कोशिश करती हूँ रखने के लिए। एंड जो साइज है, बहुत ही बड़ा साइज मैंने नहीं रखा है। फिर नेल पॉलिश का ऑप्शन चूज करवाने के लिए दिया है, तो मैंने सोचा कि ओम्ब्रे कर लेते हैं, क्योंकि मेरे दिमाग में ना कुछ आ नहीं रहा था उस टाइम पे। बहुत टाइम तक मैं बैठी थी और नेल्स करवाने में बहुत टाइम लग गया था, बट ओम्ब्रे करने के बाद मुझे लग रहा था कि थोड़ा बहुत कुछ कमती है, तो इसलिए मैंने ग्लिटर ऐड किया है और एक स्टोन भी ऐड किया है अपने रिंग फिंगर में। और लास्ट में यहाँ पे कुछ ऑयल दे के मसाज किया जाता है। तो ये था प्रोसेस। और मेरा डेड स्किन नहीं था नेल्स में, और थोड़ा सा सेंसिटिव भी है मेरा स्किन, मतलब नेल्स एरिया के साइड में, तो इसलिए थोड़ा सा दर्द मुझे हुआ जब बफिंग वगैरह हो रहा था ना, तो मेरा स्किन में भी लग रहा था। तो जो भी है, करवा के मैं आ गई थी। और आने के बाद मैंने आईब्रोज भी किया है, और आईब्रोज करवाने के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी मम्मी का साड़ी चूज़ करने के लिए कि मम्मी कल कौन सा साड़ी, नया साड़ी पहनेंगी, क्योंकि कल मुझे टाइम नहीं मिलेगा तो आज ही सब कुछ करनी है। तो मम्मी के पास 4-5 नया साड़ी था, तो उस हिसाब से मम्मी को जो पसंद आया तो मैंने वही मम्मी के लिए रख दिया है। बाहर निकल के रख दूंगी तो फिर मम्मी कल आराम से पहन लेगी। और यहाँ पे भैया का जो बेड वगैरह है ना, यहाँ पे सेट हो रहा था, तो मैंने सोचा ये भी कर लेते हैं। और इस टाइम ना दोपहर का टाइम हो गया था, नेल्स करवाने में मुझे 1 से 1.5 घंटा लग गया था, तो इसीलिए आने के बाद बहुत ज़ोरों शोरों से भूख लग गई थी, तो यहाँ पे ये काम हो रहा था। इसके बाद हम लोग करेंगे लंच, और लंच के बाद मैं मिलूंगी आप लोगों से। तो इस दिन ना घर में बहुत सारा काम चल रहा था, भैया भी घर में घुस गए थे, और ऊपर से मैं भी, मेरा भी मतलब जो पर्सनल ग्रूमिंग का काम है ना, वो भी मैं कर रही थी। मैं आईब्रोज बनवा के भी आ गई थी, वो मैंने शूट नहीं किया है। और लंच करने के बाद, और यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ अपने बेडरूम में, और आप लोगों को दिखा रही हूँ मेरा नेल्स। ऐसे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, बट हाँ जी, ये ठीक है। और हाथों में ना मॉइस्चराइजर था, तो वही है। हाँ, ऐसे देखिए। और ये ना कुछ
पिंक एंड मतलब पर्पल टोन में गया है चीज़ें। ऐसे मैं कुछ सिलेक्ट करके नहीं गई थी, सिर्फ इसका जो शेप है ना वो जब डिसाइड किया था तब वहाँ पे जाके मैंने कलर वगैरह सब कुछ डिसाइड किया था, डिज़ाइन वगैरह। तो ये ना ब्लू एंड थोड़ा सा पिंक, मतलब बॉय और गर्ल कुछ ऐसा थीम में आ गया है, जो कि अच्छा ही है। करने के बाद पता चला, मुझे तो पता भी नहीं चल रहा था, फिर जो मेरे नेल आर्टिस्ट थी उन्होंने ही कहा है कि आपके बेबी शावर के लिए ये थीम ना बहुत ही परफेक्ट हो गया है। जो भी है, अभी 4:15 हो रहा है शाम के, और आई गेस 6-7 बजे दी लोग आ जाएंगे, एंड मम्मी पापा आने में 8:30-9 बज जाएगा, क्योंकि वो लोग ट्रेन से आएंगे। तो अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट लूँगी, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी उठी थी, जल्दी नहीं उठी, 9 बजे उठी थी, बट कल रात को मिडनाइट को मेरा नींद खुल गया था और पूरी रात मैं सो नहीं पाई। ये काम का टेंशन था, ये काम करना है, वो काम करना है, छोटा छोटा चीज़ बाकी था, वो सब के लिए थोड़ा बहुत टेंस्ड थी। और वैसे सुबह ना आँख खुला ही था मेरा, तो इसीलिए। और अभी मैं थोड़ा सा नैप लूँगी, एक छोटा सा नैप, पावर नैप। मुझे अभी ना दोपहर के टाइम में जब भी सोती हूँ, 1/2 आवर में बहुत ही अच्छा सा एक नैप आ जाता है, तो वही नैप लूँगी मैं अभी। और ठंड भी बहुत काफ़ी ज़्यादा हो गई है। और ये जो टी शर्ट आप देख रहे हो ना, ये मेरे हस्बैंड की टी शर्ट है। उनको नहीं होता है, और प्रेगनेंसी टाइम पर मेरे ऊपर बहुत अच्छे से फिट हो गया है। अगर प्रेगनेंसी टाइम पर हस्बैंड का टी शर्ट ही फिट ना हो तो क्या हुआ, राइट? तो अभी मैं नैप लूँगी, और मुझे एडिटिंग भी करनी है, क्योंकि कल मेरा प्रोग्राम है, और कल मैं मुझे ऑब्वियसली मुझे टाइम नहीं मिलेगा, कल परसों टाइम नहीं मिलेगा, तो आज मुझे एडिट एंड शेड्यूल करके रखना है सारा चीज़, ताकि मुझे कल मैं लैपटॉप को टच भी नहीं करूँगी, क्योंकि सुबह से वो सब तो होता ही रहता है, वही है। तो अभी सारा काम ख़त्म है, डिनर सिर्फ मुझे बनानी है, और फिर ये वीडियो, एक वीडियो है जो एडिटिंग एंड शेड्यूल के शेड्यूल करनी है। और मैं इतना टायर्ड हूँ ना, बात करने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है अभी। अभी मैं नैप ले रही हूँ, और फिर मिलूँगी जब सब लोग आ जाएंगे, ठीक है, बाय। हाय एवरीवन, और अभी शाम के टाइम है, और मैं 4 बजे सोई थी और 5 बजे उठ गई हूँ। मुझे एक घंटा अगर मैं लेटी रहती हूँ ना, फिर 1/2 आवर मैं सोई रहती हूँ, तो फिर हो जाता है मेरा। और उठ के मैंने पहले एडिट किया, एडिटिंग कंप्लीट किया, बट मतलब लास्ट फिनिशिंग टच बाकी है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इसके ऊपर अगर 1/2 आवर मैं काम करूँगी तो हो जाएगा। अभी 6:30 हो रहा है, अभी मुझे डिनर भी प्रिपेयर करनी है। मम्मी पापा दी लोग सब लोग आ रहे हैं, और मैंने कहा है कि आज, मतलब हमारे जो कुक है उनको कहा है कि आप दोपहर का कुछ भी मत रखो, क्योंकि विंटर सीजन है ना, विंटर सीजन में अगर आप कम चीज़ बनाओ, बट अगर वो गर्मा गर्म थोड़ा सा पकौड़ा या फिर थोड़ा सा फ्राइज वगैरह रहता है ना, तो फिर खाने में सबको अच्छा लगता है। मम्मी और ताई जी भी आ रहे हैं, मम्मी तो आई गई, ताई जी भी आ रही है, तो मम्मी और ताई जी का आज एकादशी है, मम्मी और ताई जी के आज एकादशी है, तो वो लोग आज नहीं खाएंगे, तो हम लोग खाएंगे। शायद मेरे हस्बैंड और सैकदा का भी एक जगह इन्विटेशन है, शायद वो लोग भी नहीं खाएंगे, पता नहीं कौन कौन खाएंगे। तो थोड़ा सा लेट से बिठाने से भी हो जाता, बट भैया, मेरे बड़े भैया जो है 7:30 बजे डिनर कर लेते हैं, तो उनके लिए भी बनाना पड़ेगा। और अभी ना ठंड का मौसम बहुत ही अच्छा खासा ठंड हो गया है, और अगर अभी डिनर का ड्यूटी मैं मम्मी जी को दूंगी ना, तो फिर मम्मी को बहुत प्रॉब्लम होगी। ऐसे तो विंटर में मम्मी को बहुत प्रॉब्लम होती है, और ऊपर से अगर डिनर का ड्यूटी पड़े तो वही, तो मैं धीरे धीरे अभी बनाऊंगी, ज़्यादा कुछ नहीं, 1-2 आइटम बनाऊंगी, बहुत ही सिंपल सा, दाल, फिश फ्राई और बैंगन का भरता बनाऊंगी मैं आज, क्योंकि बैंगन का भरता हमारे घर में सब लोग बहुत पसंद करते हैं, बड़े भैया भी पसंद करते हैं, और दाल और फिश फ्राई के साथ ना सब लोग गर्मा गर्म मज़े से खाएंगे, तो मैंने कहा सिंपल सा रखती हूँ ताकि मुझे भी दिक्कत ना हो, एंड सब लोग अच्छे से आसानी से डिनर कर पाए। और चलिए मैं चलती हूँ, और गर्म पानी वगैरह सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मेरे पापा को गर्म पानी लगता है, मुझे भी चाहिए होता है, तो इसीलिए सब कुछ एक साथ करती हूँ, लेट्स गो। तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ, और दाल चढ़ा दिया है, और यहाँ पे बैगन भरता के लिए, बैगन को मतलब बर्न करने के लिए भी बिठा दिया है। सब काम हो गया था, सिर्फ यही काम बाकी था कि टेबल मैट का कवर चेंज करूँ। टेबल मैट कवर ऑल दो वो ठीक था, बट ना एक जगह से टूट गया था किसी का हाथ लग के, तो इसीलिए मैंने चेंज कर दिया, और ये ना बहुत अच्छा लग रहा था, बट ये थोड़ा सा लाइट मैंने चूज़ कर लिया, लाइट कलर चूज़ कर लिया था, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा दाग धब्बा ना, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा स्टेन लग जाता है इसमें, और बट बहुत अच्छा लग रहा था ये लीफ का पैटर्न और ये कलर कॉम्बिनेशन।
और फिर मैं अपना काम पे लग गई थी, हस्बैंड भी आ गए थे काम से और मम्मी पापा अभी तक नहीं आए हैं, तो मैंने सोचा कि बड़े भैया का जो डिनर का टाइम है ना उस टाइम पे मैं डिनर प्रिपेयर कर लेती हूँ, तो बड़े भैया को मैं दे दूँगी, उसके बाद मम्मी पापा जब भी आएंगे, ताई जी भी आ जाने वाली है, तो सब लोग जब आएंगे उन लोगों के साथ बातें बातें हो जाएगी। यहाँ पे ताई जी पापा आ गए हैं, आप लोग सोच रहे हो कि मेरे मम्मी कहाँ पे है, मम्मी एक्चुअली आई थी और आने के बाद मम्मी को चाय पीनी थी, तो मम्मी मेरे हस्बैंड के साथ बाहर चले गए हैं, क्योंकि हमारे घर में एकादशी के लिए मम्मी लोग सब कुछ अलग से करते हैं ना, तो इसीलिए मम्मी को बाहर से ही चाय पीनी थी, जहाँ पे सिर्फ चाय मिलती है वही, तो यहाँ पे मैं सिर्फ पापा के लिए चाय मतलब पापा को चाय दे रही हूँ, पापा को चाय सर्व कर रही हूँ, क्योंकि ताई जी भी एकादशी करती है, तो ताई जी को भी मैं चाय नहीं पिला सकती। और आज तो मम्मी और ताई जी ने यहाँ पे कुछ नहीं खाया, पानी तक घर से लेके आए हैं, कुछ ऐसे उन लोग वो लोग मतलब रिचुअल्स फॉलो करते हैं, तो मैंने कुछ नहीं कहा, ठीक है जैसे जैसे अपना अपना मर्जी होता है सब कुछ। तो मैंने चाय दिया है पापा को बिस्किट के साथ और मिठाई वगैरह मैं बाद में सर्व करूँगी। और फिर एक चीज़ होता है मेरा, जब भी कोई प्रोग्राम होता है ना उससे पहले दिन मुझे गिफ्ट मिल जाता है, और ये है एक मौसी, मेरी मम्मी की मतलब मम्मी जी की एक दोस्त, तो उनका भी इनवाइट था, तो वो पहले दिन ही आ गए थे, उन्होंने कहा था कि तुमको क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा कि गर्म कपड़ा जो है ना वो मैं दूंगी, तो कौन सा कलर चाहिए, कलर मुझे बोलना ही पड़ा, तो मेरा दिमाग में आया ब्लू कलर दे दीजिएगा हो जाएगा, तो ये लाए है शॉल की एक कुर्ता सेट की पीस, बहुत प्रीटी है ये, तो मैं मम्मी को दिखाने के लिए ले गई थी कि देखो मम्मी कितना अच्छा है, तो ये आए थे मौसी जी आए थे मुझे चूज़ करवाने के लिए, पसंद आया कि मैंने कहा कि हाँ बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे हम लोग सब मिलके बैठ के बातें कर रहे थे और ये देख रहे थे, बहुत ही प्रीटी सा एक सूट पीस है, तो वही है, तो यहाँ पे सब लोग मिलके बातें बातें कर रहे थे, तो मम्मी अभी तक नहीं आई है, 8:15 जो है ना वो हो गया है। मैं सोच रही थी कि दी लोग पहले आ जाएंगे और मम्मी पापा बाद में आएंगे, बट नहीं, मम्मी पापा ही पहले आ गए हैं और दी लोग बाद में आए हैं, क्योंकि उन लोगों का कुछ शॉपिंग वगैरह का प्लान था ना इसीलिए, और विहान नींद से उठा है तो विहान आना ही नहीं चाहता था, फिर यहाँ पे आके वो अच्छे से देखिए उसका स्माइल भी निकल गया है, तो सब लोग अभी आ गए हैं। और एक बात बताती हूँ, दी उस दिन और नेक्स्ट डे मेरे बेबी शार डे के दिन जो सर्विस दिया है, मतलब बहुत 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 काम किया है मेरे लिए, घर का मतलब ये दोनों रूम संभालना, जैसे कि मैं पसंद करती हूँ थोड़ा सा टिप टॉप रहना, तो दीदी ने बहुत बार सब कुछ किया है, बहुत कुछ किया है। यहाँ पे मैं वहाँ पे काम कर रही थी, दी यहाँ पे सबको मिठाई सर्व कर रही थी, तो दी ने ही सब कुछ टेक ओवर कर लिया था, दी ने बहुत हेल्प किया है, तो ऊपर में भी मिठाई वगैरह यहाँ पे दे रही थी और नीचे भी हम लोगों ने दिया है, तो इसके बाद डिनर करेंगे, क्योंकि लेट बहुत हो गया था और मैंने कहा कि सब लोग जल्दी जल्दी डिनर करेंगे,
करेंगे, नहीं तो कल सुबह प्रॉब्लम हो जाएगी। और फिर आया डेकोरेशन की बारी, थोड़ा बहुत डेकोरेशन आज हम लोग करेंगे और उसके बाद कल भी डेकोरेशन होगा। और ये है मेरी एक छोटा सा देवर, मेरे से बड़े हैं बट मेरा देवर जी है। तो ये देवर जी का नाम अगर मैं ना लूँ ना तो हो नहीं सकता है मेरा बेबी शावर का कुछ भी प्रोग्राम। मतलब बेबी शावर में बहुत सारा चीज़ मेरा ये देवर खुद से आके, हम लोगों ने बोला भी नहीं बट खुद से इनिशिएटिव लेके इन्होंने इतना हेल्प किया, इतना हेल्प किया लास्ट डे तक, क्या बताओ। जब जब उनको टाइम मिला है तब तब आके मुझे हेल्प किया है सारे चीज़ में, कैसे कुछ होगा, ये होगा, वो होगा, सब कुछ किया है। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ इस चीज़ के लिए, बहुत हेल्प किया। मतलब ये सब कुछ अगर मैं बोलने जाऊँ ना तो वो पॉसिबल नहीं होगा, बट सच में इन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया सारी चीज़ों में। क्योंकि अभी मेरा कुछ ऐसा टाइम है, सब जगह मैं दौड़ भाग नहीं कर सकती हूँ, बट इस टाइम पे वो ना संभाल लिया है मेरे देवर जी ने। और अभी डिनर करने के बाद सब लोग सो गए थे और अभी मैं मेहंदी लगाने के लिए बैठ गई हूँ, क्योंकि यही था लास्ट काम। अभी हो रहा है रात के 12:30 और अभी हम लोग मेहंदी लगा रहे हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट हो गया है हम लोग समय मेहंदी। अच्छा ठीक है, छोड़ो मेरा बैटरी ख़त्म है अभी ऊपर में और इस हाथ में भी बाकी है, 1 बज जाएगा। और कल सुबह मुझे 6 बजे उठना पड़ेगा क्योंकि रिचुअल जो है ना 8 बजे के अंदर है, इसीलिए। तो हेल टायर्ड हूँ बट सब कुछ किया है, सिर्फ मेहंदी बाकी रह जाती। बहुत धीरे से बात कर रही हूँ क्योंकि सब लोग सो गए हैं, मैं दी और बिहान जगे हुए हैं, बिहान को तो अपना मम्मी चाहिए। तो इस वीडियो को मैंने सोचा था कि इस वीडियो को पूरा मेहंदी कंप्लीट होने के बाद दिखाऊंगी एंड फिर कंप्लीट करेंगे, बट नहीं होगा। और यहाँ पे लैपटॉप का काम भी चल रहा है क्योंकि कल मुझे जो वीडियो देना था ना वो मैंने शेड्यूल करके रख दिया है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो मेरा बेबी शावर व्लॉग के साथ आप लोगों के सामने आऊँगी। होप आप लोगों को ये वीडियो भी अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा है ना प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब। मिलते हैं नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी। टिल देन अच्छे से रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने के साथ खुशियाँ बांटते रहिए। बाय बाय।